हमारा नाता भगवान से जोड़े रखने में अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ होता है तो वे हैं हमारे साधु संत। भारत में गुरु की महानता आज से नहीं बल्कि सदियों से चली आ रही है। हर कोई अपने गुरु साधु संत के बारे में जानना चाहता है। आज हम जिनकी बात कर रहे हैं वे कोई और नहीं, वे हैं भारत के महान संत अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज एक जाने माने धार्मिक प्रवचनकर्ता। अगर आप भक्ति से जुड़े हुए कार्यक्रम देखना पसंद करते हैं तो आपने इन्हें यूट्यूब या टीवी पे जरूर देखा होगा। आज का वीडियो बेहद ही खास रहने वाला है। आज हम जानेंगे कहाँ के हैं महाराज जी, कैसा था महाराज जी का जीवन और कहाँ जन्म हुआ था महाराज जी का, आखिर एक समय गांव से क्यों निकाले जाते थे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, महाराज जी के वैवाहिक जीवन के बारे में, साथ ही महाराज जी के आश्रम के बारे में, ऐसे बहुत से सवालों का जवाब लेके यहाँ आए हैं हम आपके लिए इस वीडियो में। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए। नमस्ते, मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके प्यारे से चैनल द फैबुलस इंडिया में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। राधे राधे। होती है 27 सितंबर 1989 को मध्य प्रदेश के छोटे से जबलपुर में अनिरुद्धाचार्य जी का जन्म हुआ। पिता का नाम श्री अवधेशानंद गिरी था। पिता मंदिर के पुजारी थे। किसी तरह जीवन का निर्वाह होता था। बताया जाता है कि बचपन से ही महाराज जी अपने गांव के राधा कृष्ण मंदिर में अपना पूरा ध्यान लगाते थे। महाराज जी का परिवार गौ भक्त था, इस वजह से महाराज जी आज भी गौ माता की सेवा में आनंद पाते। कहते हैं ना, अगर भक्ति सच्ची हो तो भगवान की परीक्षा भी आसान नहीं होती। कुछ ऐसा ही हुआ अनिरुद्धाचार्य जी के साथ। अपने भक्त परिवार को गरीबी के कारण दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। महाराज जी बताते हैं, जब मेरे पिता मंदिर के पुजारी थे तब मंदिर के मालिक ने हमें सावन महीने में मंदिर से मिले घर को खाली करने को कहा। मेरे पिताजी ने घर नहीं खाली किया, सोचा कुछ दिन में व्यवस्था हो जाएगी फिर खाली कर दूंगा, पर वे लोग नहीं माने। एक दिन बहुत बारिश हो रही थी, सब लोगों ने हम लोगों का सामान बाहर फेंक दिया। मैं बहुत छोटा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें। किसी तरह एक टूटे फूटे घर में हम रहते थे। हमें समझ नहीं आ रहा था हम कहाँ जाएं, कोई मदद के लिए नहीं आया। मेरे पिताजी ने घर नहीं खाली किया, सोचा कुछ दिन में व्यवस्था हो जाएगी फिर खाली कर दूंगा। महाराज जी बताते हैं, जब मैं भिक्षा मांगने के लिए जाता था लोग मजाक उड़ाते थे, वे कुछ देते नहीं थे, पर मैं तब भी भिक्षा मांगता था क्योंकि अगर मैं भिक्षा मांग के कुछ नहीं लाता तो घर पे क्या बनता, मेरी माँ भूखी रह जाती। कहते हैं गरीबी सबसे बड़ी सजा है, लेकिन भगवान के भक्तों को क्या सजा। कुछ ऐसा ही हुआ अनिरुद्धाचार्य जी के साथ। एक वक्त पे दो रोटी भी ना मिलने वाले अनिरुद्धाचार्य महाराज आज लाखों लोगों को अपने आश्रम में भोजन कराते हैं। अनिरुद्धाचार्य महाराज की कथा राम कथा से शुरू हुई थी। उनकी कथाओं से लोगों के जीवन में बदलाव आने लगा तथा लोग उनकी कथा को पसंद करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने श्रीमद् भगवत कथा लोगों को सुनाने लगे। यह कथा लोगों को इतनी पसंद आई कि आज उनकी कथा में लाखों की संख्या में भीड़ होती है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज छोटे से उम्र में बड़े बड़े कथावाचकों को पीछे छोड़कर आज भारत में पहले नंबर पे हैं। आज उन्होंने लगभग 500 से भी ज़्यादा कथा का आयोजन भारतवर्ष में किया है। महाराज जी का कथाओं के बाद उनका सादा जीवन लोगों को बहुत ही प्रभावित करता है। सन 2016 में मध्य प्रदेश के इंदौर में महाराज जी ने गौरी गोपालक नामक संस्था की नींव रखी। यही सन 2019 में गौरी गोपालक नामक संस्था बनके तैयार हो गई। यहाँ वृद्ध महिलाओं को आश्रय मिलता है। महाराज जी को दुखी लोगों की सेवा करना तथा गौ पालन करना और जानवरों की सेवा करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वे अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि वो हर दुखी की सहायता कर सके। बहुत लोगों को लगता है कि महाराज जी की शादी नहीं हुई, पर ये बात गलत है। महाराज जी की शादी हो चुकी है, उनके दो बच्चे हैं। उनकी धर्म पत्नी को लोग गुरु माँ कह के बुलाते हैं। गुरु माँ वृद्धा आश्रम में देखभाल करती हैं। उनके आश्रम में हमेशा से ही वृद्ध महिलाओं को फ्री में भोजन दिया जाता है। करोड़ों की प्रॉपर्टी होने के बावजूद महाराज जी को सादा जीवन जीना बहुत ही पसंद है।
तथा लोगों की मदद करना ये उनका सबसे पसंदीदा काम है। ऐसे ही अच्छे संत महात्माओं की वजह से आज हमारी भूमि सबसे पवित्र है। लोग धर्म के मार्ग से जुड़े हुए हैं। इन्हीं साधु महात्माओं की वजह से आने वाली पीढ़ी को धर्म से जुड़े रहने का माध्यम मिलता है। आज हमारी भूमि इतनी पवित्र धार्मिक है तो इन्हीं संतों और महात्माओं की वजह से। धन है भारत की भूमि और धन है यहाँ के साधु संत। मैं ये वीडियो यही समाप्त करती हूँ, यही उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलती हूँ जल्दी आपसे, तब तक के लिए राधे राधे।